हेलो दोस्तों, आपने से लगभग सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र तो किया ही होगा और आपने नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर ही सफ़र किया होगा। तो आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे अमेजिंग रेलवे ट्रैक के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें से कुछ रेलवे ट्रैक काफ़ी डेंजरस भी है, जिनमें आप गलती से भी सफ़र नहीं करना चाहेंगे। और कुछ ट्रैक तो ऐसे भी है जिनको बनाने में काफ़ी मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। नंबर 7, दोस्तों ये जो ट्रेन है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन है, जो स्विट्जरलैंड में एक थंकरिंग गैस पर यह रेलवे है जो बैंस शहर से रतन पर्वत तक की शिखर तक चलता है, जिसका नाम है बैंस रतन बैम। इस रेलवे ट्रैक 1892 में निर्माण किया गया था और आज भी एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण के रूप में काम कर रहा है। और ये ट्रेन 7.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है लगभग एक घंटे के समय में, जो 1600 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर चढ़ती है। पहाड़ के ऊपर पुराने लकड़ी की गाड़ियों को खींचने के लिए रेलवे वापसी चलने वाली लोकोमोटिव भी उपयोग करता है और रास्ते में यात्रियों को आसपास की पहाड़ों, झीलों और गठियों की शानदार नजरें दिखाई देते हैं। नंबर 6, दोस्तों थाईलैंड की मैकलोन रेलवे स्टेशन के पास की पटरियां शहर की भारी मार्केट से बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस मार्केट को रेलवे मार्केट भी कहा जाता है। ये मार्केट देखने पर आपको लगेगा इस ट्रैक पर कोई भी ट्रेन नहीं चलती और ये बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि पटरियों पर यहाँ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। यहाँ जगह की कमी होने के कारण काफी लोग अपनी दुकान रेलवे पटरी पर लगा लेते हैं, पर ट्रेन की आवाज सुनते ही अपना अपना सामान इस पटरी से हटा लेते हैं और ट्रेन के जाते ही सभी वापस अपनी दुकान लगा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन और लोगों के बीच में सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान की खतरा बना रहता है। नंबर 5, स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफी फेमस है। इन माउंटेन पर रेलवे ट्रैक बनाना वाकई एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इस ट्रैक 5,270 फीट पहाड़ों की ऊंचाई पर है और इस ट्रैक की लंबाई पूरे 291 किलोमीटर की है, जहां पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से जहां ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफर 8 घंटे में खत्म होता है, उसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। इस पूरे जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने 91 टनल्स में से गुजरती है और यहाँ का एक टनल पुरका टनल कहलाता है, जो 61 किलोमीटर लंबा टनल है। और इसे सफर के दौरान एक ट्रेन ऐसे ब्रिज से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4, और अब दोस्तों भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक, जिसका नाम रामेश्वरम रेलवे ट्रैक चेन्नई। दोस्तों ये दक्षिण भारत में मौजूद ये रेलवे ट्रैक तमिलनाडु की रामेश्वरम पंबन द्वीप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पंबन बीच की कहा जाता है। इस बीच की टोटल लंबाई लगभग 2.6 किलोमीटर है। इस बीच को सिर्फ 3 साल लगा बनाने में। 1911 से 1914 तक ये ब्रिज बनकर तैयार हो गई थी। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ से समंदर ही समंदर दिखाई देते हैं। और यहाँ अक्सर आने वाले तूफान और तेज हवाओं के बीच रेलवे ट्रैक पर चलते ट्रेन का सफर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। नंबर 3, अर्जेंटीना में बना यह रेलवे ट्रैक दुनिया की सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है। इसका नाम है ट्रेन टू द क्लाउड। ये रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 27 साल लगा। आपको बता दें कि इस ट्रेन की पटरी जमीन से लगभग 4,220 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है, इसी वजह से लोग इस ट्रेन पर सफर करने से कतराते हैं। ये ट्रेन करीब 21 सुरंग और 29 ब्रिज से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक की हाइट ज्यादा होने के कारण यहाँ का रेलवे डिपार्टमेंट रोजाना ट्रैक की जाँच करते हैं। दोस्तों ये रेलवे ट्रैक एंडीज माउंटेन के बीच से होकर गुजरते हैं और यह ट्रैक उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना को चिली देश से जुड़ता है। नंबर 2, दुनिया का सबसे ज्यादा स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जिसके हाइट्स 464 मीटर्स है, लेकिन इसके मंजिल माउंट प्लेटस है, जिसके हाइट 2,128 मीटर है। यानी ट्रेन तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ 4.6 किलोमीटर की ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि एक आम ट्रेन की व्हील्स में कोई ग्रिप नहीं होती और इतने ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकते हैं, इसी वजह से इस ट्रेन को व्हील्स गियर की मदद से स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया ताकि चढ़ते और उतरते समय ट्रेन स्लिप ना हो सके। 1989 में लॉन्च होने वाली यह ट्रेन पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया है। और अब नंबर 1, दोस्तों थाईलैंड की शहर बनपोंग से शुरू होता है और बर्मा की शहर तन बाउजियात पे खत्म होता है। इस रेलवे ट्रैक 415 किलोमीटर लंबा है, वैसे इसका ऑफिशियल नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन असल में यह देत रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको देत रेलवे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह बहुत डेंजरस है।
बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एम्पायर्स ऑफ जापान ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान आर्मी के ग्रुप्स को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए ये ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसको बनवाने में 1,00,000 से भी ज्यादा वॉच पिंजर्स को इस्तेमाल किया गया। ये माना जाता है कि 415 किलोमीटर की लंबा ये ट्रैक जल्द से जल्द बनाने के लिए वॉर पिंजर्स पे इतना जुल्म सितम किया गया था कि इनमें से आधे से ज्यादा वर्कर्स इन्हीं पटरी पर मर गए थे, जिनको वही ट्रैक पे दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, दुनिया के इन अमेजिंग रेलवे ट्रैक में से आप कौन सा रेलवे ट्रैक में सफर करना चाहेंगे, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही हम आगे बढ़ने के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।